वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पनवेल गुरुद्वारा से अभी ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से पनवेल गुरुद्वारा के सेवादार और कुछ ऐसे चंद लोग जो शायद खुद से सामने आके अगर सेवा नहीं कर सकते, लेकिन वो पनवेल गुरुद्वारा या अपने आप को इस तरीके से हमारे हमसे जोड़ लेते हैं कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हमको मित्तल सर हैं, इन्होंने 2.5 क्विंटल आटा और तेल ये डोनेट किया है। ये अभी गाड़ी आई है गुरुद्वारा में जो हमारे सेवादार इसको अनलोड कर रहे हैं। तो सेवा हर तरीके से होती है। सेवादार जो होते हैं वो चाहिए जो सामने खड़े रह के फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ या जिनको डायरेक्टली जो सेवा चाहिए या जिनको जो मदद चाहिए वो करने के लिए वो खड़े रहते हैं, लेकिन इन सेवादारों को वहाँ पे खड़े होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे राशन हो गया या दूसरी भी चीज़ें हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं पनवेल गुरुद्वारा की तरफ से, इन चीज़ों के लिए हमारे साथ कुछ और हीरोज जो ऐसे मित्तल सर जैसे हीरोज हैं वो हमको लगते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक मदद है कि हम इनका पहुँचाया हुआ सामान या मदद लोगों तक पहुँचा सके जिनको उसकी ज़रूरत है। जो इन सामान जैसे ये ग्रॉसरी है, अब इनको जो भी ज़रूरतमंद है जो गुरुद्वारे में आते हैं, जिनके घर में शायद कोविड की वजह से जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है और उनको एक दो वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे लोगों की आज पूरे हिंदुस्तान में कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब राशन की ज़रूरत होती है वो पनवेल गुरुद्वारा में आते हैं, या दूसरे भी गुरुद्वारा हो या बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएँ जो आज मदद कर रही हैं लोगों को। तो ऐसे संस्था जो होती है उन लोगों को जिनकी ज़रूरत है वो ऐसे कुछ हीरोज़ हैं जिनको सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की मदद हो, चाहे वो किसी भी तरह का डोनेशन हो, वो करके आप फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो सेवा कर रहे हैं हर कोने में, फाउंडेशंस, गुरुद्वारा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको एक मदद का हाथ बढ़ाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।